हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन BPSC के द्वारा जारी कर दिया गया है अगले एग्ज़ाम 2019 में जो आने वाले हैं उसके बारे में। दोस्तों, मैं पहले बात करूँगा BPSC 65वीं के एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, BPSC के 65वीं का नोटिफिकेशन के संभावित तिथि जुलाई प्रथम सप्ताह, PT सितंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित है दोस्तों होने का। PT का परीक्षाफल जो 65वीं का होगा अंतिम सप्ताह में, जो जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया गया हुआ, जो भी दिया गया हुआ है दोस्तों वो संभावित है। मुख्य परीक्षा फल मुख्य परीक्षा संभावित माह जनवरी 2020, और उसका 65वीं का मुख्य परीक्षाफल प्रकाशन की संभावना अप्रैल 2020 होगा दोस्तों। दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा 64वीं का BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 दिसंबर 2018 को, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि उसका रिज़ल्ट जनवरी के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा। और उसका मई के तीसरा सप्ताह में, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेंस का एग्ज़ाम संभावित है कि होगा। और विशेष में जानने के लिए दोस्तों, हम इस पेपर कटिंग को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेपर के माध्यम से BPSC ने जारी किया था, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम 60वीं से 62वीं का हुआ था, देख रहे हैं दोस्तों, उसका रिज़ल्ट संभावना है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में आ जाए। दोस्तों ध्यान देंगे, और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे।